हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो हमने रूल नंबर 7 तक कवर कर लिया है, किसके सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट चैप्टर पे। ठीक है, तो अभी कुछ रूल्स बाकी हैं, तो इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 8 एंड 9। तो यहाँ पर हेडिंग डालते हैं रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो लिखते हैं यहाँ पर रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है, यहाँ पर पहले लिखते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं कि व्हेन सेंटेंसेस हैव सब्जेक्ट्स लाइक, क्या कह रहे हैं, जब सब्जेक्ट होंगे सेंटेंसेस में कैसे, पुलिस, या फिर न्यूज, या फिर सीजर्स, या फिर मैथमेटिक्स, या फिर इसी तरह के कोई भी सब्जेक्ट्स होंगे सेंटेंसेस में। तो नाउन जो है ये सब, ये क्या है, ये सीजर, मैथ्स, ये सब क्या है, नाउन्स हैं ये। तो इनके इसमें नाउन्स को क्या माना गया है, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट क्या माना गया है, प्लूरल माना गया है। तो इसमें नाउन क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट, अरे यार इसमें इसमें नाउन रहता है बाय डिफॉल्ट कैसा, प्लूरल रहता है। जैसे कि सब्जेक्ट में अगर सब सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हो गए पुलिस, न्यूज, सीजर्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउन क्या है, प्लूरल है, मतलब सब्जेक्ट कैसा हो गया, प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल ही हो रहेगी। ठीक है, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल्स इसके। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे द न्यूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन शॉक्स द एंटायर नेशन। ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल अगर देखें, पुलिस का ले लेते हैं, द पुलिस हैव बीन लुकिंग फॉर द कल्प्रिट्स। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, द न्यूज ऑफ डीमोनेटाइजेशन शॉक्स द एंटायर, ई है ये, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड, एंटायर नेशन, कि नोट डीमोनेटाइजेशन सबको पता है हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, इसका मतलब क्या होता है, नोटबंदी जो हुई थी उसको क्या कहा जाता है, डीमोनेटाइजेशन। तो ये कह रहा है कि नोटबंदी की खबर ने पूरे नेशन या में, मतलब पूरे देश को शॉक कर दिया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो कैसा यूज हो रहा है, न्यूज यूज हो रहा है, तो सब्जेक्ट कैसा रहेगा, ये सब्जेक्ट ही कैसा रहेगा, प्लूरल। ठीक है, और वर्ब कैसी रहेगी, इसमें वर्ब भी रहेगी प्लूरल। और
और सेकंड एग्जाम तो वर्ब भी कैसी रहेगी, इसमें प्लूरल ही रहेगी, यहाँ पे लिख भी देती हूँ। सेकंड एग्जाम्पल कह रहा है कि द पुलिस हैव बिन लुकिंग फॉर द कल्प्रिट्स, कि पुलिस कल्प्रिट्स क्या होते हैं, यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ जिसको नहीं पता है। दोषी, तो कल्प्रिट किसको कहा जाता है, दोषी को जिसने कुछ गुनाह किया होता है, गलत काम किया होता है। तो ये कह रहा है कि पुलिस दोषियों की तलाश कर रही है, मतलब ढूंढ रही है। तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द पुलिस, पुलिस क्या है, सब्जेक्ट है, क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, बाय डिफॉल्ट क्या रहता है ये, प्लूरल। इसको यहाँ पे रख करके भी लिख देती हूँ, पी। और इसमें क्या यूज़ हुआ है, प्लूरल वर्ब भी यूज़ हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 9। तो रूल नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। रूल नंबर 9 कहता है कि नेगेटिव सेंटेंस इज रिटन, जब नेगेटिव सेंटेंस लिखा होगा तो ये क्या कह रहा है, द डू वर्ब इज यूज्ड, क्या होगा, डू वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। एंड इट हैज़ टू मैच, क्या करना होगा, उसे देखना होगा, मिलाना होगा किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। अभी बताती हूँ कैसे। तो ये रूल नंबर 9 को एक बार रीड कर लेते हैं। मैंने नेगेटिव सेंटेंस इज रिटन, द डू वर्ब इज यूज्ड एंड इट हैज़ टू बी, इट हैज़ टू मैच द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से मैच करके हमें डू वर्ब का यूज़ करना होगा, ठीक है। जब सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके देखते हैं अभी एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, माय फादर डज नॉट वर्क एट द बैंक, तो ये क्या कह रहे हैं, माई फादर डज नॉट वर्क एट द बैंक एनी मोर, कि मेरे फादर अब बैंक में काम नहीं करते। फादर मतलब पिता, मेरे पिता अब बैंक में काम नहीं करते। तो इसमें किसका यूज़ हुआ है, देखें यहाँ पे डू से ही डज बनता है, डू में जब ई एस एड कर दिया तो क्या बना, डज बना, क्योंकि माई फादर क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर लिया गया है। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, माय फादर क्या है, प्लूरल है, माय फादर क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। तो इसके साथ क्या यूज़ किया गया है, डज का यूज़ किया गया है। डू किसके साथ यूज़ किया जाएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ठीक है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से, आई यू वी दे, ठीक है। अभी सेंटेंस देख लेते हैं किसका, सिंगुलर का भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखते हैं द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्किंग आउट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स,
तो ये तो इसमें लिखा है ट्रिग्नोमेट्री के बारे में लिखा है, मैथ्स का चैप्टर होता है ये। तो ये कह रहा है कि द चिल्ड्रन डू नॉट लाइक वर्किंग आउट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट चिल्ड्रन है, तो ये क्या है, चिल्ड्रन चिल्ड्रन के साथ किसका यूज़ किया गया है, डू का यूज़ किया गया है। तो इस पे हमने देखा था क्या कह रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, डू वर्ब का यूज़ किया जाएगा उसके सब्जेक्ट को देखकर। तो इसमें डू का यूज़ किया गया है किसको, सब्जेक्ट, क्योंकि चिल्ड्रन के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, डू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा है, रूल नंबर 8 देखा था कि जब भी सब्जेक्ट्स कैसे होंगे, पुलिस, न्यूज़, सीजर, मैथमेटिक्स, तो वर्ब कैसी रहेगी, प्लूरल, और इन इन सबको क्या माना जाएगा, प्लूरल ही माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो जैसे न्यूज़ ये क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको हमने प्लूरल मान लिया, पुलिस है, मैथमेटिक्स होता है, कुछ भी होता है, हम इनको क्या मानते हैं, प्लूरल मानेंगे, रूल में ही दिया गया है। अगर सेंटेंस रूल नंबर 9 कहता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव लिखा हुआ है तो जो डू वर्ब का यूज़ किया जाएगा वो सब्जेक्ट को देखकर यूज़ किया जाएगा। जैसे माय फादर है, माय फादर के साथ क्या यूज़ किया गया है, इसमें डस का यूज़ किया गया है। और इसमें जो सेकंड एग्जांपल है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ क्या यूज़ किया गया है, डू का यूज़ किया गया है। बट सेंटेंसेस कैसे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ये किसमें होता है, ओनली नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे रूल नंबर 10 पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।